हेलो एवरीवन, मैं हूं संगम और आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट कट प्रोडक्शन। कैसे हैं दोस्तों, मज़े में? मैं भी मज़े में हूं और आप लोग साथ मिलता रहे। शुरुआत के साथ आप लोग को मास्क पहनने के लिए अवेयर करिए तो मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है मास्क पहने लिए। थैंक यू। सर अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस बात का तो पुख्ता सबूत मिला है। केरल में कहते हैं कि जो केस बढ़ गए हैं वो ओनम के बाद, जो अभी जो फेस्टिवल किया है उनका, उसके बाद तो इसलिए लोगों से मेरी भी ये गुजारिश है प्लीज़ मास्क पहनिए। थैंक यू, यही अपील तो चाहिए था सबसे दोस्तों। आज मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप वीडियो में देखते रहो कितने लोग जो है आपको मास्क पहने हुए मिलेंगे और कितने लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ बोलना सेफ रहेगा, तो इसलिए मैं जो है बोलूँगा नहीं, किसी को टोकूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि बस यहाँ कितने लोग मास्क पहनते हैं, बस यही वीडियो देखिए। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब तो बोलूँगा लेकिन किसी को मैं टोकूँगा नहीं कि क्यों मास्क नहीं पहना। देखो बच्चे घूम रहे हैं बिना मास्क के, है ना। मैं बोलूँगा नहीं कुछ, नहीं मुझे पता है ना यहाँ पर बोलना मतलब। ये देखो एक लेडीज ने पहना हुआ था। हेलमेट है ना मास्क, आप समझ ही सकते हो। मैं कोई मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आपको पता ही है यहाँ पे बोलना मतलब, मैं एक बार फंस चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब किसी को टोकूंगा नहीं, मतलब कि आपने क्यों मास्क नहीं पहना है, मुझे पता है ना। तो इसलिए मैं बस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ जो है बिना मास्क के लोग। चार लोगों से एक भी, मतलब ये ना यह लगा लो 99% लोग मास्क नहीं पहन रहे। इसका अंजाम क्या होगा अभी आशंकाएं जताई जा रही हैं किसी लहर की, सोचने से भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। मैं बोलूँगा तो बवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे पता है रूल और रेगुलेशन। इसलिए मैं आज यहाँ पर नहीं बोलूँगा। तो दिखाना है सिचुएशन क्या है। देखो मास्क किसी ने नहीं कर रखा है, देख रहे हो। एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ लोग में से एक ने भी मास्क नहीं पहना, यानी कि 100% मान के चले थे, है ना। 100% लोग मैं तो 100% 99% लोग तो मास्क नहीं पहन पाए। क्योंकि कहावत है ना, कहावत आपने सुनी होगी, है ना। और चोर के पास अगर एक साधु भी चला जाएगा ना तो फिर वो साधु नहीं रहता, फिर वो चोरी बन जाता है। तो इसलिए अब मैं बोलूँगा यहाँ
समझ ही सकते हो भाई साहब मेरा हालत क्या होने वाला है। मुझे अपनी जान की भी तो फिक्र है, मैं खुद सेफ रहूँगा तभी तो दूसरों को बोल पाऊँगा, है ना। मैं सेफ नहीं रहूँगा तभी दूसरों को क्या बोल पाऊँगा, दूसरों को क्या समझा पाऊँगा। तो इसलिए मैं आज बोला नहीं, इससे पहले भी एक एपिसोड में मैं आया था यहाँ पर इस एरिया में, तब मैंने बोला था कुछ जगहों पे, तो रिएक्शन भी कुछ और ही आया। तो इसलिए मैं आज जो है खामोश रह के आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि मतलब क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि सही किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए। के साथ कल जरूर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।